आज का दिन अच्छा है। ओह, आप यहाँ हैं, मेरे प्यारे व्यूअर्स, आपको अपनी कहानी बताना चाहूँगी। चलो चलें। चलो एक बार फिर से मेरे बचपन में चलें। तब सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन मैं अपनी जिंदगी के कुछ बुरे वक्त बताकर शुरुआत करना चाहूँगी। ये तब की बात है जब मेरे पेरेंट्स हमेशा लड़ते रहते थे। ऐसा पहले कभी नहीं होता था क्योंकि हमारी हैप्पी फैमिली थी। ओह, वो देखो, अजीब बर्ड्स। मॉम, डैड, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ, हर दिन खुश रहते थे। हमारी फैमिली दुनिया में सबसे अच्छी थी। मैं तुम्हारा भाषण और नहीं सुन सकता। इस पागल इंसान को देखो, मैं सफाई करते करते परेशान हो चुकी हूँ। पता है, मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। ओह नहीं, मुझे कुछ करना होगा। मुझे अपने पेरेंट्स को मिलाना होगा। एलन पक्का मजाक कर रहा होगा। ये सारी चीजें पूरे घर में फैला देता है। लगता है उसे नहीं पता कि अलमारी कैसे इस्तेमाल करते हैं। एलन, ये क्या है? खैर, मैं अपनी सॉक भूल गया था। तो क्या हुआ? मैं इससे तंग आ चुकी हूँ। ये बहुत बुरा है। इससे पहले कि मॉम देख ले, मुझे डैड का सारा सामान छुपाना होगा। फैमिली को बचाने का मिशन शुरू हो चुका है। हर जगह तुम्हारे कपड़े हैं। ठीक है, यहाँ सब कुछ साफ है, लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वाह, बदबू के हिसाब से इन्हें अब धो देना चाहिए। हाँ, मैंने धोंगी। मुझे नहीं पता इन्हें एक साथ धोना ठीक है या नहीं। बस ये अच्छे से साफ हो जाने चाहिए। इसे ऑन कैसे करते हैं? इस तरह। बहुत बढ़िया, अब डैडी बच जाएंगे। एबी बहुत गुस्से में है, लेकिन फिर भी इसने मेरे कपड़े धोए। ठीक है, एक मिनट रुको, मेरे कपड़े खराब हो गए। ये उसने जानबूझकर किया है। ये मेरा मनपसंद सूट था। तुमने ऐसा क्यों किया? ये बुरी बात है। तुम्हें पता भी है ये कितने का था? मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे पता है तुम बदला लेना चाहती हो, तो मैं सफाई करूं, कपड़े धोऊं और फिर तुमसे बातें भी सुनूं। उप्स, चीजें हाथ से निकलती जा रही हैं। पक्का तुम मेरी बिल्कुल कदर नहीं करते। किस लिए? मैं जो भी करती हूँ उसके लिए। हाँ, शुक्रिया। अब मेरा सूट सिर्फ किसी डॉल को ही आ सकता है। ये बढ़िया है, ये तुम्हारे लिए सबक होगा। शायद तुम्हें अपने कपड़े खुद धोने चाहिए। हाँ, घर में शांति लाने की सिंडी की पहली कोशिश नाकामयाब रही। तुमने फिर से मेरा कप ले लिया। तुम्हें पता है मुझे येलो से नफरत है। क्या ये याद रखना सच में इतना मुश्किल है कि येलो तुम्हारा है और ब्लू मेरा है? मैं शांत हूँ, मुझे गुस्सा नहीं करना। खुद को संभालो एलन, शांत हो जाओ। बेटी, वॉक पर चलोगी? मैं ये सब और नहीं सुनना चाहती, इसीलिए मैं तैयार हूँ। चलो चले। क्या अभी तक हमारी बात पूरी नहीं हुई? उन्हें शर्म आनी चाहिए। खैर, कोई बात नहीं। डैड, हम क्या करने वाले हैं? चलो नए स्टोर में चले। और हम पहुँच गए। वाह, ये बहुत मजेदार है। खैर सिंडी, चल लो, सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा है। आह, ये पजामा सुंदर है, मुझ पर अच्छे लग रहे हैं। बहुत सॉफ्ट है। ओह वाह, यहाँ बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। मुझे पता है मैं क्या लूंगी। सुंदर कैप है, देखो डैड, कूल है ना? जैसे ये तुम्हारे लिए ही बनी है। हाँ हाँ हाँ, हम ये ले रहे हैं। शुक्रिया, तुम्हारा स्टोर अच्छा है, हम फिर आएंगे। बॉन एपिटेट सिंडी। स्वादिष्ट है। यम यम यम, ब्लैकबेरी आइसक्रीम मेरी मनपसंद आइसक्रीम है। डैड के साथ दिन अच्छा बीता। सनी, मुझे फोन उठाना होगा, ये जरूरी है। हाँ, बहुत स्वादिष्ट है, बिल्कुल पहले की तरह। बस मॉम यहाँ नहीं है, वो पक्का घर में अकेली उदास और बोर हो रही होंगी। बहुत अकेली हूँ, वो मुझे अकेला छोड़ गए और अभी पक्का मजे कर रहे होंगे। मुझे बुरा लग रहा है। रुको, मेरे पास एक आइडिया है। मैं ये बैग डैड की तरफ से गिफ्ट दे दूंगी और फिर वो मिल जाएंगे मेरी प्यारी वाइफ के लिए। शानदार, उन्हें ये अच्छा लगेगा। खैर डैड, सब कुछ ठीक है? हाँ सब ठीक है, पीछे मत रह जाना, मैं खा रही हूँ। ओम नोम नोम, ध्यान से। मॉम मॉम, देखो डैड बहुत सारी चीजें लाए हैं। मुझे नहीं देखनी, उन्हें एक नया स्टोर मिला था और उन्होंने आपके लिए भी कुछ खरीदा है। ये लो, सच में बढ़िया है। इसका मतलब वो अभी भी मुझसे प्यार करता है। क्या उसे क्या लगता है ये अच्छा है? ओ नहीं, मैंने देखा क्यों नहीं कि इसके अंदर क्या है। येलो ड्रेस, तुम्हारे डैड कभी नहीं सुधरेंगे। मैंने बोला नहीं, कोई टैटूज नहीं। लेकिन मॉम प्लीज। नहीं, ये मैं आखिरी बार बोल रही हूँ। जाओ और अपने डैड से पूछ लो, वो भी यही बोलेंगे। हाँ ठीक है, मैं पूछ लूंगी। डैडी डैडी डैडी। ओह सिंडी, क्या हुआ? मुझे टैटू बनवाना है। मैं समझ गया कि मॉम तुम्हें मना कर रही हैं। मॉम ने आपसे पूछने के लिए बोला है। छोटा सा, प्लीज, मेरा बहुत मन है, पक्का कुछ गलत नहीं बनवाऊंगी। खैर खैर, मॉम तुम्हारी बात से खुश नहीं है। हाँ हाँ,
हमारी बेटी को अपनी तरफ करने का एक और मौका। एक बार तुम हाँ बोलकर दिखाओ। नहीं नहीं, और एक बार फिर से नहीं। हाँ सिंडी, तुम टैटू बनवा सकती हो। शुक्रिया, आप दुनिया के सबसे अच्छे डैड हो। चिंता मत करो बेटी, मैं यही हूँ और मुझे पता है कि बिल्कुल दर्द नहीं होता। मुझे थोड़ा अनोखा टैटू बनवाना है। ओह पक्का? खैर ठीक है, हम कस्टमर की इच्छा पूरी करते हैं। आराम से लेट जाओ। हाँ मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हुर्रे मास्टर, मुझे कुछ ठीक करवाना है। सुन रहा हूँ, ये टैटू परमानेंट नहीं होना चाहिए। तुम्हें पता है मेरा क्या मतलब है। समझ गया, चिंता मत करो, मेरे सैलून में तुम पहले पेरेंट नहीं आए, तो तैयार हो जाओ। ओह मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा, बस थोड़ी गुदगुदी हो रही है। तो अब सिंडी के डैड क्या करने वाले है? ठीक है, बस हो ही गया, तैयार है। बहुत जल्दी बना दिया, असली प्रोफेशनल ऐसे ही होते हैं। तुम खड़ी हो सकती हो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मुझे भी दिखाओ। ये देखो हनी, तुम्हें अच्छा लगा? बहुत अच्छा, सच में ये बहुत सुंदर लग रहा है। शुक्रिया डैडी। आखिरी टच। वाह मेरे टैटू है, प्लान काम कर गया। शुक्रिया दोस्त, वेलकम। बढ़िया है, मुझे डॉग्स अच्छे लगते हैं। एबी तुम्हारी कैट नहीं, इसे हटाओ। कैट हमारे घर में नहीं रह सकती, यहाँ मेरा रेक्स आएगा। इस बारे में सोचना भी मत, कैट ज्यादा अच्छी होती हैं। ये सच नहीं है, फोटो पहले मैंने टांगी थी। तो क्या हमारे इंटीरियर के साथ कैट की फोटो ज्यादा अच्छी लगेगी? नहीं डॉग, कैट। डॉग्स हमारे सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। कैट्स हम में से कुछ लोगों से भी ज्यादा साफ होती है और अपने सारे काम खुद करती है। मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये बहुत छोटी बात है, मुझे ये ठीक करना होगा। ठीक है मॉम डैड, ये काम करना चाहिए। ओह कितनी तेज आवाज है, इस दीवार पर कैट की फोटो आएगी। रुको कसम मत खाओ, मैंने एक तरीका ढूंढा है। देखो तुम बहुत होशियार हो मेरी बेटी। हाँ हाँ तुम क्रिएटिव हो, मुझे अच्छा लगा। एनिमल्स का बाकी का हिस्सा कहाँ है? सही कहा सिंडी, वो कहाँ है? ये ऑप्शन ज्यादा अच्छा है, हम ये टांगेंगे। क्या ये हमारे लिविंग रूम में है ना कि सर्कस में? पहली फोटो ही रहने देते हैं, लेकिन इसे देखकर हंसी आ रही है। ये वाला भी बोरिंग नहीं है। ये फिर से काम नहीं आया, क्यों? एक ही फैसला होना इतना मुश्किल क्यों है? ओह हेलो दोस्तों, आपको कैट ज्यादा पसंद है या डॉग्स? अपने आंसर्स कमेंट में लिखें। डैडी डैडी क्या हुआ बेटा, क्या मैं दोस्तों के साथ पार्टी में जा सकती हूँ? खैर मुझे नहीं पता, अपनी मॉम से पूछो। मॉम क्या मैं पार्टी में जा सकती हूँ? पार्टी? हाँ बिल्कुल, सच में मैं जाकर तैयार होती हूँ। क्या आपने भी सुना? हाँ चलो हम सुबह तक डांस करेंगे, आप भी आओ, शर्माओ मत। हाँ मॉम आप नहीं शर्मा रही, मैंने उन्हें इतनी मस्ती करते हुए पहले कभी नहीं देखा। मुझे नए शूज चाहिए। लड़कियों देखो, ओह हाँ लगे रहो, ये पार्टी कमाल की है। मॉमी मॉमी ठीक है? हाँ मुझे प्यास लग रही है, ये लो लड़कियों आगे से हटो। हे बारटेंडर मुझे कुछ बढ़िया सा पिलाओ। कोई बात नहीं, एक मिनट, आपकी कॉकटेल। शुक्रिया। तुम्हें कैसे पता कि ये मेरी मन पसंद है? मैं बहुत समय से ये काम कर रहा हूँ, माहिर लोगों को सब पता होता है। तुमने ये बहुत स्वादिष्ट बनाई है, शानदार। मुझे खुशी है तुम्हें ये अच्छा लगा। हाय तुम अच्छी दिख रही हो। हे बारटेंडर मेरे लिए टोमेटो मेरी बनाओ। वैसे मैं डैन हूँ, और तुम्हारा नाम क्या है? समझ गया, क्या नहीं, क्या ये मेरी वाइफ के साथ फ्लर्ट कर रहा है? ओह तुम लोगों को अभी भी मुझ में दिलचस्पी है, सबके अटेंशन मिलने पर अच्छा लगता है। मैं अभी हूँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा अभी, मुझे भी, मैंने तुम्हें अभी देखा था। चलो थोड़ी मिर्च डाल देता हूँ। क्या तुम कैरल की दोस्त हो? ओह शुक्रिया, एंजॉय, ये हमारी नई दोस्ती के लिए। बिल्कुल। ओह आह ये तुमने क्या किया? मॉमी क्या हुआ, ये क्या है? क्या आप ठीक हैं? इसने मेरे कपड़े खराब कर दिए। हाँ अच्छी बात है। मॉमी उसने मॉमी बोला। खैर मुझे जाना होगा। एलन अब सब कुछ साफ है, ये तुम्हारी गलती है, तुमने ऐसा क्यों किया? वो क्या था? हम बस बात कर रहे थे। हाँ बस बात कर रहे थे, मेरी वाइफ के साथ फ्लर्ट करने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। ठीक है, और मैंने देखा था कि तुमने भी उसके साथ फ्लर्ट किया था। तुम्हारा मेरा डाइवोर्स होगा। रुको उसकी उम्मीद नहीं थी, मैं उन्हें नहीं मिला सकती। हमारी फैमिली अच्छी थी, ये बुरा हुआ कि हमारी खुशियाँ खत्म हो चुकी है।
ओ नहीं, पहले ही बहुत देर हो चुकी है और अब सिंडी कुछ नहीं कर सकती। ये समय पुरानी बातों को गुड बाय बोलने का है। चाहे ये सब कुछ अच्छा था, मैं उसे अभी भी प्यार करती हूँ, लेकिन हम दोनों को अलग होना होगा। मुझे माफ करना एलन। उनके पिक्चर्स में बस टुकड़े ही बचे हैं। लगता है सच में सब कुछ खत्म हो गया है। हमारी फैमिली पहले की तरह कभी नहीं हो पाएगी। मैं कुछ नहीं कर पाई। अगर मेरे पास एक आखिरी मौका हो तो शायद मैं उन्हें फिर से मिला पाऊँ। शायद अभी भी एक मौका है। हाँ, ये काम कर सकता है। आखिरी कोशिश है। मुझे गुड लक कहो। मैं तुम्हारा भाषण सुन सुनकर परेशान हो चुका हूँ। वो रहे, देखो भाषण। तुमने आज तक कभी मेरी बात सुनी है? ऑफिसर वॉलेस, वो आ गए हैं। क्या हो रहा है? तुम्हें अरेस्ट किया जा रहा है। तुम वांटेड हो। हाँ, ये तुम्हारी फोटो है। रुको ऑफिसर, पक्का कुछ गलती हुई है। उसके पास येलो जैकेट है और मुझे येलो से नफरत है। हमें इसके बारे में पुलिस स्टेशन में बताना। क्रिमिनल्स? तो इसके साथ और कौन है? खैर, ये क्या है? लगता है यहाँ और कोई नहीं है। कुछ फोटोज अजीब है। ऐसा लग रहा है किसी ने जानबूझकर यहाँ चिपकाई है। कौन है? खैर खैर खैर, हम तुम्हें ऑर्फनेज भेजेंगे। नहीं, ऐसा मत करो। मैंने क्या किया है? हेलो, मैंने उनकी फोटोज चिपकाई हैं। उनकी गलती नहीं है, मैं बस उन्हें मिलाने की कोशिश कर रही हूँ। मदद करो। खैर, शांत हो जाओ। ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। आप मजाक तो नहीं कर रहे? चलो चलकर तुम्हारी फैमिली को बचाएं। जेल में स्वागत है। पक्का कोई गलती हुई है। सही कहा, हमने कभी भी कुछ गलत नहीं किया। और मुझे शिकायत करनी चाहिए। उन्होंने हमें और परेशान करने के लिए एक ही सेल में रखा है। रुको, ये क्या है? क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता। ये उस टेबल से आपके लिए है। हाय पेरेंट्स, ये आपका बात करने का समय है। सिंडी, इन सब का क्या मतलब है? वो चाहती है कि हमारी लड़ाई खत्म हो जाए। खैर, हम कोशिश कर सकते हैं। येलो रोज, मुझे याद है कि तुम्हें येलो अच्छा नहीं लगता। मैं और नहीं लड़ना चाहता। मैं फिर से प्यार और शांति से रहना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अभी भी उतना ही प्यार करता हूँ और मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। ओह, शुक्रिया ऑफिसर। आखिरकार हमारी फैमिली फिर से खुशी खुशी रहेगी। मैं बहुत खुश हूँ। शुक्रिया। ओह खैर, ये मजेदार है। कुछ मजेदार नहीं है, ये पर्सनल है। तो सिंडी ने कर दिखाया। लाइक और सब्सक्राइब करें। बाय बाय।